आई दोस्तों, स्वागत है आपका जी के भाई योगेश सर चैनल में। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो 11 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट की लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वह संख्या ज्ञात करें जो तीनों से अलग है। तो ये संख्या होगी दोस्तों, बी आंसर इज द राइट, 63, 77। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा -4, 6, यानी कि बी आंसर। एक व्यक्ति ने पूछा है यहाँ पे मुर्गी और भैंस हैं, तो यहाँ पे कितनी मुर्गियाँ हैं, टोटल मुर्गी की संख्या बतानी है। तो मुर्गियों की संख्या यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो मुर्गी हो जाएंगी यहाँ पे टोटल 30, सी ऑप्शन। एक्स वाई में समीकरण प्रणाली को हल करना है, तो समीकरण प्रणाली को हल करेंगे तो राइट आंसर बन जाएगा बी आंसर इज द राइट। आंसर करने, गरीबों रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो ये योजना हो जाएगी तीरथ दर्शन, तीरथ दर्शन के नाम से चली है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र जहाँ ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन क्षेत्र करते हैं, जहाँ शिमला, मंसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेंसडाउन और रानीखेत विकसित हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? शिवालिक श्रेणी के नाम से, सी आंसर इज द राइट। हरियाणा पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, किसको पूर्ण कर दिया हरियाणा ने? जलीय स्तर मानचित्रण, जलीय स्तर मानचित्रण को पूरा कर दिया। तो राइट आंसर होगा ए, ए इसका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या जो 2 अंकों से बनी है, जिसके अंकों का योग 3 है और 9 को संख्या में जोड़ा जाता है, तो अंक आपस में स्थान बदल देते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी 12, यानी कि 12 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यदि हम आगे की बात करते हैं, तो 10th क्वेश्चन है। एक वेनिस्ट ऑक्साइड यानी कि इम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं? Al2O3। सारावण स्थल से संबंधित क्या है निम्नलिखित में से? दो यहाँ पे ऑप्शन है, यह 9 देशों में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के दोगुने से भी ज़्यादा है। तो यह तो फैला हुआ है 11 देशों में, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, बी इज करेक्ट, यह दोगुने से भी ज़्यादा है भारत के। महाभारत के खालिस्तान अध्याय में भगवद गीता है, कौन से अध्याय में है महाभारत के भगवद गीता? तो 18वें, कितने? 18वें। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आधार कार्ड बनाम निजता को खतरा पर अपने ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है, अपवाद क्या होगा जोड़ने का? तो इसका अपवाद हो जाएगा विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1 और 3, यानी कि UGC नीट और UGC CBSE। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए। हरियाणा के विधि मंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पास किया कब? 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। कौन सा युग्म चुनिए जो सही है, मैच करना है दोस्तों यहाँ पे, सही युग्म को चुनना है। तो प्राविंकुलम जलाशय कहाँ है? केरल में। अर्जुन दिख रखा है तमिलनाडु, तो केवल एक ही आंसर सही होगा ए। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्लेट। क्या होता है दोस्तों? स्लेट, बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे खालिस्तान का एक मिश्र नक बेकिंग पाउडर है। तो जो बेकिंग पाउडर है मिश्र नक का, वो क्या है? तो यहाँ पे है टार्ट्रिक अम्ल। हरियाणा राज्य में खालिस्तान झीलें हैं, तो यहाँ हरियाणा में कितनी टोटल झीलें हैं? 6, 6 झीलें हरियाणा में दोस्तों। 19 क्वेश्चन, लुप्त अक्षर यहाँ पे ढूंढना है, तो एम ओ हो जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है? समांतर श्रेणी बनाता है दोस्तों, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डी आंसर इज करेक्ट, 4, 16, 36, तीसरी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, लगातार तीनों एग्जाम में आया है। लुप्त संख्या यहाँ पे पहचाननी है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी लुप्त? 26, 26 यहाँ पे लुप्त क्लियर हो जाएगी दोस्तों, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। 117 मीटर लंबी सीढ़ी धरातल से 15 मीटर ऊंची इमारत की खिड़की तक पहुंचती है, दीवार से
आधार और बीच की कितनी दूरी होगी? 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी होगी। मैग्नीज हिरणा के किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सबसे अधिक मैग्नीज पाया जाता है हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में। कौन सा वृद्ध आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? जो माइक्रोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो उनमें से कोई नहीं। उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अल्ताफ अली हुसैन के द्वारा। यदि आई का कूट 35 है तो ऑफ का कूट क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 27। बाणभट्ट ने खालिस्तान लिखा है, बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी है? तो यहाँ पे हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। और दोस्तों 29 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 29/2, बी आंसर। निम्न में से कौन सी दाएं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी बन जाती है या नदी नहीं है? तो कोसी नदी है जो सहायक नदी नहीं है। निम्न में से किसका सही अर्थ नैतिकता है? तो नैतिकता सही अर्थ किसका है यहाँ पे दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, या उक्त सभी, या नैतिक सिद्धांत, तो ये सभी डी आंसर। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो केवल शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या प्रोबेबिलिटी इसकी होगी दोस्तों? सी आंसर इज द राइट, 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों का आसन जोड़ा गया है, परिणामी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा यहाँ पे? 504। 504। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? जो पगड़ी होती है तो पगड़ी को क्या कहा गया दोस्तों यहाँ पे? खंडवा। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? तो दूसरा जो मार्ग है कर्म, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो ये आंसर सही है, 36वें में बी आंसर सही होगा, वर्गमूल 5/5। कौन सा पौधे में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है? तो बीजाणु जनन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 1940 के मुस्लिम लीग संकलन के संदर्भ में गलत चुनिए। 1940 के संकलन में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें से कौन सा गलत होगा? डी। फिर भी 29 में पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी गई। प्रो बोनो, जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद समाचारों में सुनते रहते हैं, संदर्भ किससे है? निःशुल्क विविध सेवाएं, ये आंसर है। भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया, दशहरा। इसका राइट आंसर होगा डी। भगवद गीता में खालिस्तान भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप हुआ, कृष्ण और अर्जुन के बीच यहाँ पे वार्तालाप हुआ। नाई तर्पण यानी कि जो मिरर होता है उसको शेविंग के लिए किसका यूज करते हैं, कौन से मिरर का? तो ये होगा अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों कौन सा रोग? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का त्यौहार कहते हैं किसको? बैसाखी को या दिवाली को? तो किसको कहते हैं दोस्तों? दिवाली, प्रकाश का त्यौहार। 45 का 6, और किस कोशिका में सीमोग्लोबिन होता है? तो ये होता है किसमें? आरबीसी में। मछलियों में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि चैम्बर कितने होते हैं? दो। सॉरी दोस्तों, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह कौन सी फसल होती है, या कौन सी फसल कहलाती है खरीफ की फसल? भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली के उद्धव के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? विचार करें और गलत विकल्प को चुनिए, बी आंसर। वह शब्द ज्ञात करें जो दिए गए अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, तो इसमें दोस्तों बिल्ली हो जाएगा, ये बाघ शेर जेबरा तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो डाउट है थोड़ा बिल्ली और जेबरा में, तो एक्चुअली हम मान लेते हैं जेबरा बिल्ली ही होगा। 51 क्वेश्चन है जो मैथ का है, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, 15 वर्ष होगी। बड़गल झील फरीदाबाद में सबको पता है। यदि बहुपदीय पी का मान हो तो के का मान क्या होगा? तो के का मान होगा यहाँ पे केवल 4, ये आंसर। हैंडसोंग
एक यात्री है, ये यात्री जो हैंगसोंग है कहाँ से आया भारत में, तो ये चीन से आया था, चीनी यात्री है। साहिब नदी को द्रुतगामी भी कहते हैं। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो ये थायरोक्सिन होता है उसके संश्लेषण के लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आयोडीन। कंप्यूटर में सीमोस का मतलब क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है सीमोस का, इसका होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप कहाँ पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी में। कौन सा आंदोलन नेतृहीन आंदोलन के विरोध में था, तो ये कौन सा आंदोलन कर दिया महात्मा गांधी ने, महाभारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यहाँ पे सैक और कोसैक का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 59 में, तो इसका मान निकालना है, इसका मान होगा दोस्तों 1/7। 60 क्वेश्चन में शेष बताना है, तो शेष क्या होगा, -3। सिपाही विद्रोह कब हुआ, सभी को पता है 1857 की क्रांति भारत में हुई थी जो मंगल पांडे ने की 1857। 5 प्रतिरोधों का दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विद्युत धारा का, तो यहाँ पे एक्चुअली लोगों ने 0.3 एम्पियर, कुछ लोगों ने 3.3 ही बताया है। यदि 9 सितंबर को रविवार है तो 18 सितंबर को मंगलवार होगा। ग्राम पंचायतों के प्रमुख सरपंच होते हैं, कौन होते हैं, सरपंच। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यहाँ पे। हाइना सदस्यों की संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में कितने भेजता है, 5। तो 5 सदस्य हरियाणा से होते हैं राज्यसभा में। यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदे की परिधि 108 सेंटीमीटर है, तो तांबे चांदे का व्यास क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों जो डायमीटर होता है उसका पेरोटीमीटर बना 42 होगा, क्या होगा, 42। आंगल में सूर्य युद्ध के दौरान निम्नलिखित घटना को पढ़िए, तो इसमें कौन सी राइट आंसर होगा, ए 1, 2 और 4। 73वें संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ, तो ये हुआ 1994 हरियाणा के लिए दोस्तों, हरियाणा में 1994 में। इंग्लिश लैंग्वेज हम यहाँ से पढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन है, आई खालिस्तान टेलीविजन, ए लॉर्ड बट आई डोंट एनी मोर टू यूज टू वॉच, यूज टू वॉच ए ऑप्शन। और 70 में है दोस्तों सी ऑप्शन, वी ऑलवेज हैव टू वेट। और 71 में पढ़ लेते हैं हम, प्रेपोजिशन इसमें दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑन, डी ऑप्शन राइट। 74 में होगा द मिसिल्ड, और 75 में होगा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है, तो यहाँ पे जो 75 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मी वेयर आई हैड टू लीव। 76 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वेंट, वेंट टू बेड नाउ। 72 क्रिकेट, आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल, तो एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा राइट। 99 से यहाँ पे चुनना है एस्क्यूट, और 77 में आई डोंट वॉच आर्टिकल यहाँ पे चुनना है, नॉट नीडेड यहाँ पे आएगा टेलीविजन वेरी ऑफन। हु इज ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, कौन है, तो द आएगा द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। हिंदी देख लेते दोस्तों, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसे कृतवाच्य में लिखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इत्यादि में संधि हो जाएगी कौन सी दोस्तों, यन संधि। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण है वहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक। 3 भुवनों का समूह है त्रिभुवन, काउंटिंग आ चुकी है, तो काउंटिंग में द्विगु समास होता है, कौन सा होता है, द्विगु। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए, पढ़ता है पद का परिचय हम किस प्रकार से दे सकते हैं दोस्तों, तो ये होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए इज करेक्ट। सही वर्तनी का चयन करें, तो प्रकृति में सही जो राइट आंसर होगा वो डी आपको दिखाई दे रहा है, प्रकृति कैसे लिखी जाती है। बहुत आंसर क्वेश्चन बहुत आसान भी है दोस्तों, जैसे 83 आपको दिखाई दे रहा है, कोई सेकंड या थर्ड क्लास का बच्चा इसको कर सकता है, डी आंसर इज करेक्ट। सखी शब्द का बहुवचन क्या है, सखियाँ, बहुत आसान। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस, करुण जो रस है वो क्या होगा, शोक को दर्शाता है, दुख को। और कौन सा राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है दोस्तों यहाँ पे पढ़ना है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं पर्यायवाची पढ़ा और राक्षस का, तो वहाँ पे गलती कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सुर। खुश शब्द के साथ कौन सा अपसर्ग सही लगता है, खुश के शब्द कौन सा अपसर्ग लगेगा, इसके साथ लगेगा दोस्तों ना, कौन सा, ना, बी इज राइट।
टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टस से मस न होना मुहावरे का